दबिश में गए आबकारी अमले पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। इस घटना में विभाग के दो लोग घायल हो गए जिनका उपचार जारी है। घटना रेठी थाना अंतर्गत ग्राम हरदुआ की बताई जा रही है। लॉकडाउन के बाद शराब की दुकान बंद होने व पूरे जिले का एक ठेका होने के बाद शराब महंगी होने के कारण कटनी जिले में कच्ची शराब का गोरखधंधा सबाब पर है, जिससे ठेकेदारों को भारी नुकसान हो रहा है। शराब ठेकेदार के गुर्गे गांव-गांव जाकर पतासाजी करने के बाद आबकारी विभाग के अमले के साथ सांठगांठ कर दबिश के काम में लगे हुए हैं। सोमवार को विभाग के सहायक निरीक्षक व आबकारी के कर्मचारी शराब ठेकेदार के गुर्गों के साथ रीठी थाना के ग्राम हरदुआ दबिश देने पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी मात्रा में कच्ची शराब पकड़ी। आबकारी विभाग का अमला जब कार्रवाई कर रहा था, तभी गांव की 60 से 70 महिलाएं और पुरुषों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में आबकारी विभाग की दो गाड़ियों के कांच भी टूट गए। महिलाएं और पुरुषों के द्वारा पत्थरबाजी में आबकारी विभाग के सहायक निरीक्षक महेंद्र शुक्ला सहित विभाग के कई कर्मचारी घायल हो गए। ग्रामीणों ने विभाग की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। हमले के बाद किसी प्रकार से हमले में शामिल लोग अपनी जान बचाकर भागे। सर, ये क्या हुआ था, किसी हमला किया गया है आबकारी के ऊपर और क्या हुआ था? ये हमला हम लोगों का, ये आबकारी का अपना रूटीन तलाशी होती है, रूटीन अपना तलाशी अभियान में निकले थे हम लोग, गश्त के लिए निकले थे। रूटीन गश्त थी हम लोगों की, आबकारी स्टाफ की, अपने पूरे जिले का स्टाफ था और अपने 3-4 गाड़ियां थी, अपने सब स्टाफ था। तो हम लोग ने यहाँ से हरदुआ गांव है रेलवे क्रॉसिंग के पास में, तो वहाँ से अपन ने जो जहाँ पे कुछ जगह अपन हरदुआ गांव में जहाँ कुछ बंदिया मोहल्ला है और ये वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे अवैध महुआ लाहन शराब बनाते, वहाँ हम लोगों ने एक आध केस भी बनाए। उसके आगे फिर एक गाँव पारधियों का मोहल्ला है, पारधियों के मोहल्ले में हम लोग जब गए तो वहाँ सारी औरतें इकट्ठी हो गई और लोग लाठी डंडा बर्छी लेके वहाँ पे पूरे आ गए और पूरे आबकारी अमले पे हम लोग समझाए के बाद भी कि हम लोग शासकीय काम में लगे हुए हैं, शासकीय काम में आए हैं, आप लोग शराब बनाते हो, तो कुछ नहीं सुना और पूरा चारों तरफ से पत्थर बरसाने लगे, औरतें और उनके जो पुरुष थे सभी लोग बरसाने लगे। तो ऐसी स्थिति में किसी तरह हम लोग वहाँ से भागे हैं। हमारे सब इंस्पेक्टर महेंद्र शुक्ला को बहुत गंभीर चोटें आई हैं, वो अस्पताल में हैं, शासकीय अस्पताल में हैं, अभी उनका एक्सरे वगैरह कराया गया है और हमारे कुछ स्टाफ को भी ये चोटें आई हैं और पूरी गाड़ियां हमारी पूरी चारों पूरे कांच तोड़ दिए गए उनके और तोड़ दिए गए, ये घटना हुई। टीम में हम लोग अपने पूरे आबकारी स्टाफ थे, 15-20 लोग थे हम लोग सब मिला के। और वहाँ से आप लोग वहाँ से फिर वो करीब वो पूरे गांव के करीब 60-70 लोग थे, सब औरतें 70 मिला के सब पूरे मतलब सड़क के दोनों तरफ घेर के उन्होंने पत्थरबाजी की। हाँ, दोनों तरफ घेर के मतलब जैसे अपने गाड़ियाँ वहाँ से अपन लोग वहाँ से सोचे कि यहाँ से निकलना चाहिए तो पूरे घेर के वो किया। और इसकी सूचना मैंने जो इंस्पेक्टर है रीठी थाने के उनको मैंने फोन द्वारा सूचित भी किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। और फिर हम सबसे जरूरी था जो हमारे घायल इंस्पेक्टर थे उनको हम ला के जिला अस्पताल में लाए, पहले उनका उनका इलाज के लिए देखें उसके बाद में, और उस संबंध में अभी मुझे FIR करने वहाँ जाना पड़ेगा, उसकी जाएगी उसकी बाकी पूरी चीज़ें। आपने शुभ नाम बता दिया। मेरा नाम SD सिंह, मेरा आबकारी उप निरीक्षक। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।